नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा कर्मियों के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। मनरेगा मिट के मानदेय को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मनरेगा के लेबर बजट में हुई बढ़ोतरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दे दी ही मंजूरी। आने वाले समय में जल्द ही आपको सरकार के द्वारा मंजूरी मिलने जा रही है। और अगर आप मनरेगा महिला मिर्च हैं या मनरेगा कर्मी हैं या उत्तर प्रदेश के बैंकिंग का एक्सपीरियंस रखी हैं या किसी भी पद पर तैनात हैं तो आपको जल्द से जल्द मानदेय को लेकर कुछ नया खबर आने वाला है। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लेबर बजट में 2,22,00,000 मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य 13.5 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर 15,72,00,000 मानव दिवस हो जाएगा। आने वाले समय में आपको 100 दिन के बजाय 150 दिन का रोजगार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो आपको भत्ता दिया जाएगा। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एवं अन्य अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बैठक में कई राज्यों में लेबर बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत निर्धारित 13.5 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य विगत फरवरी माह में ही हासिल कर लिया गया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे व्यापक कार्यों और लक्ष्य की पूर्णता को देखते हुए लेबर बजट बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को दिए थे। आने वाले समय में किस तरीके से सरकार आपके सभी मांगों को मान रही है और आपको दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोतरी भी कर रही है ताकि आने वाले समय में आप अपने काम को 100% ईमानदारी से करें और आने वाले समय में आपको सरकार के द्वारा एक एक रुपए का मानदेय दिया जा सके। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मनरेगा मिट और मनरेगा महिला मिट को लेकर और मनरेगा कर्मियों को लेके, तो ज़्यादातर जगहों पर हुए धांधली की वजह से कुछ लोगों को काम मिला है, मजदूरी नहीं मिली है। कुछ लोगों को मजदूरी मिली है लेकिन काम नहीं मिला था। आप सोच सकते हैं इस तरीके के काम मनरेगा में ही हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो खबर मैंने बताया आपको, छत्तीसगढ़ का खबर निकल के सामने आ रहा है जहाँ पर मानव दिवस को बढ़ाने की मंजूरी वहाँ की राज्य सरकार ने दे दी है और केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी इसके बाबत भेज दिया गया है। आने वाले समय में किस तरीके से मनरेगा मिट के मानदेय को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है। मनरेगा मिट के काम करने के बावजूद भी उन लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं शासन प्रशासन में मनरेगा महिला मिट के द्वारा दिए गए बैंक खातों को सही समय पर फीड ना कर पाना या फिर अच्छे से प्रबंधन ना कर पाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी साबित हो रही है। दोस्तों, निवेदन करता हूं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी मनरेगा महिला मिट बहनों मनरेगा कर्मियों को भी 100 दिन के बजाय 150 दिन का रोजगार मिल सके और मनरेगा महिला मिट का मानदेय जल्द से जल्द उनके खाते में पहुँच सके। वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।